अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर के इंस्टेंट टमाटो पिकल्स। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने मीडियम साइज के 5 अदद मैंने टमाटर लिया हुआ है। इसके लिए मुझे चाहिए सरसों सीड्स यानी कि राई दाना, और यहाँ पे मैं ली हूँ मेथी और राई को मैंने भून के अच्छी तरह से पीस लिया है। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं गार्लिक के यानी कि लहसुन के 20 से 25 कलियां। मैं इसमें ज्यादा जो पिकल बना रही हूँ इसके लिए मुझे ज्यादा गार्लिक चाहिए। तो चलिए मैं अब पहले इस टोमेटोस को मैंने काट लूंगी। हम इसको बारीक पेस्ट नहीं करने चाहिए, बस थोड़ा सा दरदरा मैं इसको पीस लूंगी। पीसने के बाद हम अब यहाँ पे मैंने दरदरा से मिक्सी में पीस लिया है। हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसनी चाहिए, बस थोड़ा सा मोटा मोटा यानी के दरदरा सा पीसनी चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी चुटकी भर हल्दी, 1 से 2 स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर डाल लिया है। और इसमें मैं डालूंगी जो मैंने लहसुन को कद्दूकस किया हुआ था उसके मैं थोड़ी सी कलियां इसमें डाल लूंगी। मेथी राई फेनुग्रीक सीड्स पाउडर एंड सरसों का पाउडर मैंने जो पीस के रखा हुआ था उसको मैं यहाँ पे डाल लूंगी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। अब मैंने पाउडर साल्ट डाल रही हूँ मेरे हिसाब से, हस्बैंड जायका जो आप टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये पिकल टोमेटो पिकल बहुत ही जल्दी और इजी बनने वाला है, जो कि इंस्टेंट टोमेटो पिकल है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, बस मुझे 1 से 1.5 स्पून चाहिए। ऑयल को हम थोड़ी देर गर्म होने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह से मसाला और मेथी पाउडर और राई पाउडर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने गैस को तेज आंच पे ही रखा हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी, हमारा तेल गर्म हो चुका है या नहीं हम देख लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी राई 1/2 स्पून, लहसुन की कलियां जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था वो मैं इसमें पूरी डालूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए मिलाएंगे। जब हमारे गार्लिक यानी कि लहसुन कद्दूकस किया हुआ लहसुन अगर अच्छे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने टोमेटो का जो दरदरा था मैंने पीस लिया था वो अब मैं इसमें डाल लूंगी। और अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए हम इसको पका लेंगे। अब इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालनी चाहिए, ये ऐसे ही थोड़ी देर गलने के बाद इसका तेल छूट जाएगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हम चेक कर लेंगे हमारा टोमेटो पिकल अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसमें बीच में हम डालेंगे अमली का थोड़ा सा पल्प। मैंने थोड़ी सी अमली लेके उसको
भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है ताकि हमारे टोमेटोस जो स्वीट टोमेटोस है उसमें थोड़ा सा इमली का खट्टापन आ जाए। अब इसको अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए हम रख लेंगे। ये बहुत ही इजी और जल्द ये हमारा इंस्टेंट टोमेटो पिकल बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। आप चाहें तो इसको आप टाइट कंटेनर में यानी के बॉटल में भी आप रख सकते हैं। अगर आपको 4 या 5 दिन का अगर पिकल चाहिए तो आप उसको टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में भी स्टोर कर लें ताकि हमारा जो टोमेटो पिकल है उसमें फंगस ना आए। तो लीजिए हमारा बनके तैयार है इंस्टेंट टोमेटो पिकल।